कट। हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा न्यू ब्लॉग पर स्वागत है। तो ये मैं बताने वाला हूँ ये जगह है कौन सा। ये जगह है एक्चुअली मेरी फैक्ट्री है, छोटा सा मेरा बिजनेस है, वही फैक्ट्री है। वही छत पे से इतना ठंड है, तो मैं 1 जनवरी है, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, इसलिए मैं एक छोटा सा ब्लॉग बना रहा हूँ। ठंड की वजह से मुझे ऐसा लगा कि दिल्ली में इतना आज बहुत ज़्यादा कोहरा गिर रहा है जिससे कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो कुछ बनाना चाहिए यादगार के लिए, क्योंकि एक पल जो जाता है वो पल कभी वापसी आता नहीं है। तो इस पल को मैं कैद कर लेना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं बना रहा हूँ। ये देखो, और मेरे लड़के लोग तो सो रहा भाई साहब अंदर में। ये है मेरी फैक्ट्री, फैक्ट्री है। अब मैं क्या अंदर से दिखाऊं, ये है मेरा ये, और ये सामने से, ये सामने बिल्डिंग वगैरह है, तो यहाँ से कुछ नज़र नहीं आ रहा। बगल में ही झाड़ है, जबकि ज़्यादा 10 हाथ के अंदर में ही है, तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये देखिए, बिल्कुल भी नहीं। हमने सोचा जैसे मैं सो के उठाऊँ अभी, हालांकि मैं सो के ही उठाऊँ, तो ये नज़ारा देख रहा हूँ। तो मैं हालांकि दिल्ली में इतना ठंड हुआ नहीं अब तक, आज 1 जनवरी है और ये हाल है। अब बताओ, कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कौन सा गांव में और रात में नहीं आ गया हूँ, वो टाइम वैसा हो रहा है, पता नहीं पहला। ये देखो, ऐसा आप सबको लगता ही नहीं होगा कि मैं गांव में हूँ या शहर में हूँ, ऐसा लग रहा वीरावान है जगह एकदम से। ये जगह स्कूल है हमारा, नीचे स्कूल है, तो ऐसा लग रहा कि इसके आगे दुनिया है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बताओ, इतना कड़ाके का ठंड है और इतना ये लग रहा है कि भाई साहब आज गांव का याद आ गया। तो ये है मेरा फैक्ट्री का अंदर का जगह, ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं दिखाने वाला हूँ। मेरे पास एक्चुअली मेरा क्या चीज़ का काम है, ये जैसे भी बनता है, ये देखो ये दिखाने वाला हूँ। ये देखो काफ़ी सारा जैसे भी बड़ा हुआ है, ये देख लो कितना सारा पूरा, ये भी बनता है मेरे पास। और एक्चुअली जो ना ट्रैक्टर ट्रॉली, ये देखो ट्रैक्टर भी बनता है, अभी ये फिट हुआ नहीं है। तो ये टॉयस का काम है मेरा, मैं दिन में दिखाने वाला हूँ कि बाहर का नज़ारा कैसे लगता है। थोड़ा साफ़ होने दो तो मैं दिखाऊँगा आपको कितना बेहतरीन लगता है ये जगह। हालांकि मैं ये इसका वीडियो डाला नहीं हूँ, आज फर्स्ट टाइम डाल रहा हूँ। तो देखें, आज का ठंड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये ब्लॉग बना रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा, 1 जनवरी का झाड़ देख के ना ऐसे लगा भाई ये जनवरी तो बहुत ही कठिन गुजरने वाला है। दिन में दिखाऊँगा इसको, अभी तो अपलोड नहीं करूँगा, थोड़ा सा साफ़ होने देता हूँ। जब मैं इस जगह का दोबारा वीडियो बना के दिखाऊंगा तो कैसे दिखता है। यहाँ से देखो मेट्रो दिखता है, इसी जगह बगल में ही है, जस्ट ही मेट्रो है, तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, ऐसे लग रहा कुछ है भी नहीं उस जगह। तो मैं ये दिन में दिखाने वाला हूँ कि ये जगह जो ना कितना खूबसूरत और कैसा नज़र आता है, एकदम से साफ साफ नज़र आता है। तो अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा कि दिल्ली के ठंड की वजह से, तो मैं दिन में दिखाऊंगा, इसलिए दिखाऊंगा कि ये यहाँ से जो ना बहुत दूर दूर तक का नज़र आता है। तो ये जो आज जो ना कोहरा जो गिर रहा है ना, इसके वजह से कुछ भी नहीं मतलब नज़र आ रहा है, जो कितने इसमें तो पल्ला बोलते हैं इसको, हमारे गांव में तो पल्ला बोलते हैं इसको, वैसे कोहरा जो ना मेन वर्ड्स है। तो देखें, आज नया जनवरी है, तो मैं सोचा कि नया जनवरी तो 1 जनवरी है, तो इसकी वजह से एक वीडियो ही डाला जाए। तो सुबह उठाऊँ तो मैं डाल रहा हूँ। ये है मेरा मतलब, ये भी सो के, ये देख लो कम्बल, ऐसे लग रहा है कि गांव में आया है एकदम से, कम्बल लेके ये लेके उतरा है, ये उठा भी ऐसे लग रहा है एकदम से, इतना ठंड है। हालांकि ये इस टाइम जो है ना 9 बज रहा है, 9 बजने का मतलब है बहुत ही दिन हो जाना, 9:15 हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है, पता नहीं भाई साहब सुबह सुबह कैसा लगा होगा, पता नहीं, अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जैसे 7 बजे 6 बजे तो वैसे भी कुछ नज़र नहीं आता होगा। जनवरी अपना जार लेके आ गया एकदम कोहरे के साथ,
हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना ठंड होने वाला है। आज जैसे सुबह उठा हूँ तो एकदम से कुछ नजर ही नहीं आ रहा। बाप रे भाई साहब, बच के रहना, ये जनवरी है और ये दिल्ली में पता नहीं क्या होने वाला है इस बार। हालांकि इस जगह पे मुझे 3-4 साल के करीब में हो गया, इतना ठंड तो कभी नज़र आया ही नहीं भाई। इतना ये गिरता हुआ नज़र नहीं आया, क्योंकि इतना पता नहीं यार क्या होने वाला है इस बार ठंड में। आज तो वैसे ठंड तो है नहीं, लेकिन कोहरा बहुत ज़्यादा गिर रहा है। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, यानी सामने वाला जो सामने अगर कोई पास भी होता हो ना, कुछ बिल्डिंग तक का नज़र नहीं आ रहा, बताओ बगल में, जबकि दिल्ली में इतना बिल्डिंग का नज़र ही नज़र आता है। तो इसीलिए मुझे लगा कि आज ब्लॉग बनाना चाहिए कि दिल्ली में कितना ठंड है 1 जनवरी को। तो इसीलिए मैं शुरुआत की हूँ यहाँ से। जनवरी का एकदम ठंड, कुछ एकदम से इतना ठंड है आज की कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कोड़ा गिर रहा है एकदम से बहुत तेज, देख लो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ऐसे नज़र आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कुछ है ही।